नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र में 12 नवंबर को सरकार नहीं बनने की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो कि अब भी जारी है और अभी भी सरकार के गठन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आए दिन इसमें नए नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर चिंतन मनन किया जा रहा है और शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात अभी सुर्खियों में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के स्वरूप और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी और इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर स्थिति काफ़ी कुछ साफ हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिलहाल जो स्थिति है तो पद और विभागों का बंटवारा इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इनके आधार पर ही सरकार का गठन होगा। तो जो मुलाकात होने जा रही है शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच, वो इस वक्त सुर्खियों में है और सबकी नज़रें टिकी हुई है कि इस मुलाकात के बाद किस तरह के निर्णय होते हैं, कौन कौन सी बातें सामने आती है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें अयोध्या फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अयोध्या केस में फैसला लिया गया है उससे अभी तक भी हलचले मची हुई है देश भर में। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक हुई लखनऊ में, जिसमें कि ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेता शामिल हुए और कई बातों पर चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके एक एक पॉइंट पर चर्चा की गई और इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। तो मुस्लिम लॉ बोर्ड का ये फैसला है कि अभी तक जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ एक याचिका दर्ज की जाएगी और पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड असंतुष्ट लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। वहीं जब पुनर्विचार याचिका की बात कही गई तो हिंदू महासभा की ओर से भी एक बात कही जा रही है। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल केस में शामिल पक्षकार ही पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, तो इस कानून के तहत मुस्लिम लॉ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि वे पुनर्विचार याचिका दायर कर सके। हालाँकि दोनों पक्ष आमने सामने हैं, एक तरफ से याचिका दायर करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये अधिकार ही नहीं है बोर्ड को। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कदम उठाता है लॉ बोर्ड। वहीं अब बात करें अगर मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज जन्मदिन है। 18 नवंबर यानी आज के दिन वे अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन अपने जन्मदिन से ठीक पहले सीएम ने एक ट्वीट किया है अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए कि किसी भी तरह के बड़े आयोजन ना किए जाए उनके जन्मदिन को लेकर, उनका जन्मदिन सादगी से मनाया जाए। वहीं बधाई के संदेश देते हुए कोई भी पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स ना लगाए जाए। जैसा कि हाल ही में सीएम ने निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स नहीं दिखाई देने चाहिए सड़कों पर या सार्वजनिक स्थलों पर, तो अपने जन्मदिन के मौके पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से यही अपील की है कि किसी भी तरह के बधाई संदेश पोस्टर्स, होर्डिंग्स या बैनर्स के रूप में शहर में, प्रदेश में ना लगाए जाएं। और इस सीएम की इस अपील को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं ने भी इस पर अमल किया है और इसी के चलते जन्मदिन के खास मौके पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और फल वितरण जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा। खास तौर पर भोपाल में इस तरह के कई कार्यक्रम देखे गए और अभी भी सीएम ने ट्वीट में भी ये सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं पर भी उनके जन्मदिन को लेकर या उनके फोटो लगे हुए कोई भी होर्डिंग्स, बैनर्स दिखाई देते हैं तो उन्हें त्वरित रूप से वहां से हटाया जाए, निकाला जाए और नगर निगम के अफसरों को खुली छूट दी गई है इस कार्रवाई के लिए। वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से ही आमने सामने तो रही ही है, ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और बात कर रहे हैं हम पौधारोपण घोटाले को लेकर, जिसमें कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी भाजपा को घेरने की, उसे कटघरे में खड़ा करने की, लेकिन वहीं अब कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ईओडब्ल्यू से जाँच कराने के कांग्रेस का जो प्रस्ताव था उसे सिरे से खारिज कर दिया है।
साथ ही साथ जो उसकी नोटशीट है वो सचिवालय पहुंच चुकी है और अब अंतिम निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों में है और अब उन पर भी दबाव बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भाजपा नेता इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ से बयान भी आ चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही झूठे आरोप लगाती रही है और लेकिन इस बार उसे मुँह की खानी पड़ी। तो अब मुख्यमंत्री कमलनाथ पौधारोपण घोटाले में किस तरह का निर्णय लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने ऑनलाइन परीक्षा फीस जो है वो दुगने से भी ज़्यादा कर दी है। एक बेतहाशा वृद्धि देखी गई है इसमें, जिसे लेकर CM भी नाराज़ हैं। आपको अपडेट देना चाहेंगे कि प्रदेश भर में इस फीस वृद्धि को लेकर हल्ला मचा हुआ है, विरोध हो रहा है इसका। लेकिन वहीं गौरतलब ये है कि इस आयोग ने जो फीस वृद्धि की है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ को नहीं दी गई है। इससे CM खासे नाराज़ हैं कि बगैर उनकी जानकारी के या बगैर उनकी अनुमति के किस तरह से इस आयोग ने फीस बढ़ाई है। वहीं CM ने तत्काल प्रभाव से इस फीस वृद्धि को रोकने की भी बात कही है। ये भी कहा है कि एक तरफ जब हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए नई नई रोजगार नीतियां ला रही है, नए नई योजनाएं बना रही है, तो ऐसे में इस तरह से आयोग द्वारा फीस वृद्धि करना बिल्कुल ही गलत है, जनता के पक्ष में नहीं है, तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से इस फीस वृद्धि पर तुरंत रोक लगा दी जाए। वहीं एक बार फिर से बात करेंगे सोशल मीडिया की, ट्विटर की। दिग्विजय सिंह एक बार फिर ट्विटर पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर, अपनी कही गई बातों को लेकर वे सुर्खियों में बने हुए होते हैं, तो एक बार फिर वही हुआ। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन ये बधाई चंद ही शब्दों की है जिसे लेकर वे ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ ये चंद शब्दों की बधाई उन्होंने दी है ट्विटर पर, लेकिन इस बधाई संदेश पर भी जनता ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। कई रीट्वीट्स उस पर, इस ट्वीट पर मिले हैं और साथ ही साथ जनता की जहां तक बात है तो कई यूज़र्स ने काफ़ी सारे ट्वीट्स किए हैं, उन्हें जवाब दिया है, जिसमें कि कुछ आपको बताना चाहेंगे। जवाब देते हुए जनता ने कहा है कि आप चाहते तो इससे भी कम शब्दों में भी बधाई दे सकते थे, यहाँ भी मोदी ने बाजी मार ली, एक बार फिर तुम हार गए 3 मिनट से। यानी मोदी का जो बधाई संदेश है CM कमलनाथ के लिए वो दिग्विजय सिंह से काफ़ी बड़ा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है जनता की ओर से कि जब आप सत्ता में थे तब कुछ ना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक यूज़र ने ये भी सुझाव दिया है कि बस मुख्यमंत्री कमलनाथ आपकी काली छाया से दूर रहें तो वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस तरह से ट्विटर पर लगातार कमेंट्स मिलती जा रही है, रीट्वीट्स करते जा रही है जनता। काफ़ी सारे यूज़र्स ने ट्रोल किया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को और एक बार फिर वे सुर्खियों में बने हुए हैं। MP न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। लगातार खबरें, लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।